हमारे कॉलेज में इंग्लिश का टेस्ट इतना मुश्किल आया हुआ था ना, पता नहीं किसने बनाया था। आ गया था कुछ मतलब कर लिया था जी, अच्छा हो गया था। और वेलकम पार्टी की डेट जो है ना उन्होंने अगले वीक की सैटरडे को फिक्स कर दी है। कह रहे थे तुम्हारी तैयारी तो होने की, कपड़े जूते लेनी चाहिए तो हो तो है, लेकिन हमने तो बनाया हुआ था इस वीक का। नहीं नहीं हो जाएगी, वेलकम पार्टी के करना पढ़ने वास्ते जाए जाते हैं, लेकिन दिल अच्छा खाना जल्दी खाओ तो मैं किस टाइम की मैंने मेरा हो गया वैसे आज सारा बहुत अच्छा बना। अच्छा बनाओ अच्छा जल्दी से मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। अच्छा ये अपने बर्तन धो के जाओ जरा, इन्हें जल्दी से धोना और बर्तन धोने से नहीं हाथ खराब होते। सारे सूट के एक टूटा था तो मैंने सारे काट दिए। मुकदस बर्तन धो ना जरा, काम चोर इतनी हो गई हो ना तुम इन्हें दो। अच्छा मैं आज एक जबरदस्त सी क्रीम है, सिर्फ वो तुम्हें क्रीम लगानी है, और वो मैंने वैसे भी तुम्हारे लिए मंगवाई है, लेकिन घर के काम नहीं छोड़ने, दिन के टाइम के बर्तन और रात के तुम नहीं धोने, जल्दी से दो जल्दी जल्दी ये काफी ले जाना और ये भी सारे उठा के अंदर रखो बर्तन। जी हाँ बिल्कुल, आपके हाथों और पाँव की स्किन जो है वो घर के कामों से ख़राब नहीं होती, बल्कि उनकी केयर ना और उनकी सफाई ना करने की वजह से होती है। एक चीज़ आपको लिए लेकर आई हूँ, चाहे घर के जितने मर्जी काम करें, जितने काम करेंगे उतने ही आपके हाथ जो हैं वो साफ़ और मुलायम होंगे, क्योंकि एक ऐसा स्क्रब है जो कि आपकी डेड स्किन को ऊपर से रिमूव करेगा, आपके क्यूटिकल जितने हैं वो रिमूव होंगे और आपके नकल्स वाइट होंगे। इसके बाद एक वाइटनिंग क्रीम है, इंतहा की अफोर्डेबल है। घर का जब भी काम आप कर लें, जैसे कि किचन वगैरह है, तो अपने हाथों को ड्राई होने से पहले आपने ये वाला स्क्रब अपने हाथों पर लगाना है। ये है ईशा ऑर्गेनिक्स का वाइटनिंग हैंड एंड फुट वॉश प्लस स्क्रब है। इसे आप दिन में दो दफ़ा भी यूज़ कर सकती हैं। चारकोल के साथ इसमें क्लेज ऐड की गई हैं जो कि आपके ड्राई और डेड क्यूटिकल्स को रिमूव करती हैं और आपके नकल्स को वाइटन करती हैं। 175 मिलीलीटर में है, तो दिन में बेशक खुला इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है। बैक साइड पर सारी डिटेल्स बताई गई हैं, लेकिन आपने इसे यूज़ कैसे करना है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। इससे आपके ड्राई और डेड क्यूटिकल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। इसे आपने 5 मिनट या 3 मिनट कम से कम अपने हाथों के ऊपर लगा कर रखना है, हल्का सा पानी मिक्स कर ले, सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, बल्कि मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। अंदर से स्क्रब इस तरह का है, ये वॉश के साथ आपको वाइट कलर के स्क्रब पार्टिकल्स भी नज़र आ रहे होंगे, एक्सफोलिएटर्स, जो कि आपने ऐसे पहले हाथ पर लगा लेने हैं, 2 से 3 मिनट रखें, हल्का सा पानी मिक्स करेंगे तो हल्की सी झाग बन जाएगी। इसके साथ आपने इस तरह पहले अपनी डेड स्किन को इस तरह अपने हाथों से ही मसाज करते हुए रिमूव करना है। नेल्स को भी करें, अपने नकल्स को भी करें, सेम आपने पेडिक्योर, मेरे पास तो भाई पेडिक्योर का कोई टाइम नहीं होता, सिर्फ आपने ये एक स्क्रब अपने पाँव और हाथों के ऊपर आपने यूज़ करना है। आप देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ेगा, 2 दिन में ही वाजे फ़र्क आपको नज़र आएगा। डेड स्किन तो आपकी पूरी रिमूव हो जाएगी और इसे यूज़ करना भी आसान है। जो आपने 5-6 स्टेप्स जो मैनीक्योर और पेडिक्योर के करने हैं ना, वो इस एक स्टेप से जनाब आपकी स्किन इस तरह से हो जाएगी जब आप इसे वॉश करेंगे। ये एक मैं कहती हूँ ना बेस्ट वाला वो स्क्रब है जो बिल्कुल उपटन का काम करता है। आप इसे नेक के ऊपर से भी अपनी डेड स्किन को रिमूव करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ मुकद्दस बताओ कैसे हैं? बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, इतने सॉफ्ट तो कभी नहीं थे, है ना। जब बर्तन शर्तन धोने से मेरे बच्चे जब मैल शैल नरम होती है ना, तो स्क्रब फौरन करते जाओ तो डेड स्किन रिमूव हो जाती नहीं, है। अब अगर इस स्क्रब के बाद अगर आप कोई वाइटनिंग क्रीम लगाएंगे तो उसका फायदा भी होगा, क्योंकि आपकी सारी डेड स्किन जो उतर चुकी है और स्क्रब इतना अच्छा है तो वाइटनिंग क्रीम भी बहुत अच्छी। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप ईशा ऑर्गेनिक्स की हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम अपने हाथों और पाँव पर यूज करेंगे तो आप भी मेरे तरह एक यूट्यूब वीडियो बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये 175 मिलीलीटर की क्रीम आपको सिर्फ 500 रुपीज में मिलती है और लिकोरिश एक्सट्रैक्ट के साथ शिया बटर इसमें बेनतहा ऐड किया गया है। साथ ही विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो कि आपके फीट टाइट फीट को रिलैक्स करते हैं, नेल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपके जितने डार्क नकल्स हो जाते हैं शूज़ पहन के, या आपकी नेक के ऊपर अगर जहाँ पर डार्क एरिया हो गया तो उसको भी लाइटन करने के लिए, आपके नीज़ के ऊपर, इवन के बॉडी पार्ट्स को भी वाइटन करने के लिए ये एक बेस्ट क्रीम है, क्योंकि जो थोड़ी थिक स्किन होती है ना ये उसके अंदर एब्जॉर्ब होकर असर दिखाती है। इसे आपने जब भी अपनी नेक को वॉश करना है स्क्रब पहले यूज़ कर लिया करें ताकि आपकी डेड स्किन रिमूव हो। खुदा के लिए उसे डेड स्किन कहा जाता है, उसे तेल लगा लगा कर सॉफ्ट मत किया करें, उसे पहले रिमूव किया करें फिर इस तरह की क्रीम्स लगाया करें। अब आप ये देखें मैं क्रीम आपके सामने लगा रही हूँ, कोई ये ऑयली नहीं करती और स्किन को अब ऐसे भी नहीं है कि ड्राई रहेगी। आप जब तक दोबारा से हैंड वॉश नहीं करेंगे आपके इंतहा के हाथ जो हैं वो मॉइस्चराइज रहेंगे,
आपको पता है हमने दिन में 3-4 दफ़ा वजू किचन में काम करना होता है। क्रीम इतनी सस्ती है और इतनी ज़्यादा है कि आप लोग इसे दिन में 3-4 दफ़ा यूज़ कर सकते हो अपनी गर्दन के ऊपर, अपने फीट के ऊपर। और आप लोगों को मिलेगी कहाँ से, लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिए हैं, स्क्रीन पर भी आप लोगों को बता दिया है, प्राइजेस भी साथ साथ बता दी हैं। लेकिन मेरे सरगोधा के व्यूअर्स जो हैं वो पंजाब मेगा मॉल से यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेकर ज़रूर चेक कीजिएगा, मे भी आपको वहाँ से भी मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा अगर इस विंटर सीज़न में अगर आपके भी हाथ पांव जो है थोड़े डार्क हो रहे हैं या स्किन ड्राई है, तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला। चलें जी अब मैं मिलूंगी, चलें हम मुकद्दस की बात पहले सुन लें। थैंक यू सो मच अम्मा ये वाली प्रोडक्ट्स मुझे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। ये सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं, दोनों प्रोडक्ट्स आप अपना मैनी-पेडी घर पे कर सकते हैं और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मैं खुद अब ये यूज करती हूँ क्योंकि मेरे पास पूरी ना किट यूज करने के, मास्क और स्क्रब लगाने का टाइम भी नहीं होता। बिल्कुल, और यही चीजें हैं जो ज्यादा यूज भी होती हैं जी। आप इसे अपने किचन काउंटर के ऊपर रख सकते हैं जैसे हमने रखा है, तो आपको इससे ज्यादा आसानी होगी। और इन सारे प्रोडक्ट्स जो है, ये दोनों इनकी जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। और बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है 175 मिलीलीटर की पैकेजिंग में। तो अगर आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नई वीडियोस की सजेशन जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में देनी है। हम दोनों मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।